आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरेबिक चिकन मंडी इंडियन स्टाइल। इट्स अ राइस रेसिपी जो चिकन चटनीज और राइस के साथ सर्व की जाती है। सो सबसे पहले एक बोल ले और उसमें चिकन डालें। इस प्रोसेस में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे नींबू जूस और लहसुन अदरक की पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसे फॉइल पेपर से कवर कर ले और करीबन आधे घंटे तक इसे साइड पे रख। अब हम इसे वापस मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों के साथ। सो सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और तंदूरी मसाला। अब इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। थोड़ा सा दही डालें। इसे एक घंटे के लिए साइड पे रख दें। अब इसे रोस्ट करने के लिए 45 मिनट्स तक अवन में डाल दें। प्रोसेस में हम राइस को वेजिटेबल्स के साथ सौते करेंगे। उसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, काजू डालें, बादाम और अब इसे रोस्ट कर लें। बारीक कटा हुआ गाजर डालें, शिमला मिर्च डालें और इसे सौते कर लें। और अब इसमें उबले हुए बासमती चावल डालें। यहाँ पे हमने होल स्पाइसेस के साथ बॉईल किए हुए राइस लिए हैं, तो वेजिस में इस राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक स्वाद अनुसार डालें या फिर अगर आप राइस बॉईल करते वक्त भी अगर नमक डालें तो भी चलेगा। अब इसे करीबन 10 मिनट तक पकाएं। अब हम चटनी बनाएंगे राइस के साथ सर्व करने वाली। पैन में ऑयल डालें, चिकन मैरिनेट करते समय जो बचा हुआ मसाला है अब उसको डालें और उसको अच्छी तरह से सौते कर लें। अब हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरी चटनी जो है टमाटर चटनी। यहाँ पे ग्रीन चिली को ग्रेट कर लें और अब इसमें टमाटर को भी ग्रेट कर लें। नमक स्वाद अनुसार डालें और इसे वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पे आपकी अरेबिक टमाटो चटनी रेडी हो गई है। अब एक बड़ी सी थाल में सबसे पहले चावल को बिछाएं और अब उसके ऊपर होल चिकन रखें और दोनों चटनियों के साथ इसे सर्व करें। आमतौर पे चिकन मंडी सॉल्ट पेपर चिकन के साथ सर्व की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने इंडियन टेस्ट देने के लिए तंदूरी मसाला और रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। Subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook to get daily recipe videos और अब हम मिलेंगे कल नई recipes के साथ।